लोग भी हैं आज क्लास में चलिए सो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया है uh, कुछ नए बच्चे भी हैं क्लास में विच इज गुड वेलकम टू द क्लास और देखिए इस क्लास में uh, का कुछ कुछ नियम होता है जो हम लोग फॉलो करते हैं पहला तो ये है कि जब आप बात नहीं कर रहे तभी आप म्यूट पे रहेंगे और लेकिन जब कुछ सवाल पूछा जाएगा तभी आप अनम्यूट करके जवाब देंगे सो so दैट

यहाँ पे कोई कोई फी वी का चक्कर नहीं है तो आपको सिर्फ पढ़ने के लिए आते हैं लग रहा है कि हाँ पढ़ाई कर रहे हैं तो कंटिन्यू करेंगे लगा कि पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं तो डिस्कन्टिन्यू कर जाएंगे ठीक है ओके okay. दूसरा चीज़ ये है कि हम जो पढ़ाते हैं उसमें कोशिश करते हैं कि हिंदी और इंग्लिश दोनों का इस्तेमाल किया जाए ताकि बच्चों को आ, जो है आगे की क्लासेस में जब वो कंपटीशन की तैयारी करेंगे या कुछ भी तो उस समय पे उनको हिंदी से इंग्लिश करने में टाइम ज़्यादा खराब नहीं ठीक है तो मेरा मेन मीडियम रहता है पढ़ाने का आ, हम बात हिंदी में करते हैं लेकिन जो जो टर्म्स यूज करते हैं हम लोग ट्राई यूजिंग दैट इन इंग्लिश सो दैट और उसको इंग्लिश का हिंदी मीनिंग भी क्या होगा वो भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं ताकि आप जिस भी मीडियम में पढ़ाई कर रहे हो अभी आपको हिसाब आप से समझ में आ जाए कोई दिक्कत नहीं हो लेकिन इट आल्सो प्रिपेयर्स यू फॉर फ्यूचर कि जहाँ पे आप आगे के क्लासेस में जब जब इंग्लिश में तैयारी कर रहे होंगे जब इंग्लिश पढ़ाई कर रहे होंगे तो आपको हिंदी से इंग्लिश स्विच करने में दिक्कत नहीं होगी ठीक है तो ये है और तीसरा चीज है कि बस वही जो भी पढ़ाई हो क्लास में उसके बाद आप जो है क्लास का वीडियो बाद में देख लेंगे रिवीजन करने के लिए और नोट्स लिख लेंगे अभी हो सकता है क्लास करते हुए आप नोट्स नहीं लिख पाए यू आर पेइंग अटेंशन द क्लास लेकिन वीडियो देखने के बाद नोट्स बना लेंगे और उसके बाद जो हर एक चैप्टर के अंत में जो एक्सरसाइज होता है उसको करेंगे ताकि आपको ये आइडिया हो कि जो आपने जो पढ़ा है या जो समझा है आई यू बिल्ट अप्लाई दैट अगर नहीं कर पा रहे हैं तो एंड से कि सर ये और समझ नहीं आया फिर से बता दीजिए ठीक है तो दैट 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 इज इज ऑल वी डू अपना वीडियो टर्न ऑफ कर देते हैं क्लास के बीच में ताकि आ, आ, जो है आपको मतलब वीडियो के वजह से डिस्ट्रैक्शन नहीं हो और हम भी चूंकि स्क्रीन पे फोकस कर रहे होते तो मेरा वीडियो आ, हम ऑफ कर देते हैं ठीक है चलिए तो क्लास स्टार्ट किया जाए फिर तो लेट मी शेयर माई स्क्रीन को बताइए जो आप लोग को मेरा स्क्रीन दिख रहा हो ओके स्क्रीन दिख रहा है सबको यस सर ठीक है तो देखिए तो आज हम लोग सबसे पहले जो पिछले क्लास में जो पढ़ाई कर रहे थे मैटर्स इन आर सराउंडिंग हमारे आसपास के के पदार्थ या आ, आ, को हिंदी में क्या बोलते हैं? मैटिस का हिंदी क्या था जयंबर पदार्थ पदार्थ था हमारे आसपास के पदार्थ कर तो एक मिनट रुक जाइए एक अपना ट्रांसलेटर को भी रखते हैं टू हिंदी ट्रांसलेशन ठीक है Okay. Hmm. तो पिछले चैप्टर हम लोग पढ़ थे हमारे आसपास के पदार्थ या बैटर्स इन आर सराउंडिंग जहाँ पे तो हम लोगों लिक्विड गैस और सॉलिड के बारे में सीखा वहाँ पे हम लोगों ने उसका डिफरेंट प्रॉपर्टीज के बारे में सीखा हर एक पदार्थ जो छोटे छोटे पार्टिकल से या कण से बना होता है वो सीखा हमने ये भी सीखा कि वो पार्टिकल्स जो है हमेशा मूव कर रहे होते हैं सो दे इज सम अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट यू हैव इन एवरी सब्सटेंस अब किसी की कि अब किसी भी चीज़ में हम कुछ कुछ और चीज़ को मिलाते हैं तो उसके ऊपर डिपेंड करता है उसके बीच में अब उनके पार्टिकल्स के बीच में कितना जो है वो जो पार्टिकल्स जो भी है मान लीजिए पानी है उसमें अगर कुछ मिलाना चाहे तो वो पार्टिकल पार्टिकल्स आपसे कितने मजबूती से जुड़े हुए हैं या कितना आपको सहूलियत कम्फर्ट देते हैं उसके किसी और सब्सटेंस को मिलाने के लिए वो उसको डिफाइन करता है तो अभी जो हम लोग एक एक कॉन्सेप्ट था उसको हम लोग ने थोड़ा ध्यान नहीं दिया हम लोग कवर नहीं कर पाए तो लेट्स लेट्स टॉक लेट, अबाउट हर एक जो हमने सीखा कि भाई आ, हर एक सब्सटेंस या हर एक पदार्थ जो भी है हरेक मैटर जो भी है चाहे सॉलिड हो चाहे वो लिक्विड हो चाहे वो गैस हो ये आपका ये है तो सॉलिड को तो हम कुछ नहीं करेंगे सॉरी ये सॉलिड है बस ठीक है ये आपका लिक्विड है और एक खाली बर्तन ले लीजिए समझिए डब्बा है एक उसमें कुछ नहीं है मतलब गैस है तो हम लोगों ने ये बात किया कि हर एक पदार्थ जो है हर एक मैटर जो है वो चाहे वो सॉलिड लिक्विड गैस हो वो छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है या छोटे छोटे कण से बना होता है और ये चीज सीखा कि जो है वो आपस में वो वो मूव कर रहे होते हैं सॉलिड में स्लो मूव कर रहे होते हैं लिक्विड में तो सॉलिड में बहुत ही कम नेग्लिजिबल मूवमेंट हो हो रहा होता है लेकिन वो मूव कर रहे होते हैं मूवमेंट हो रहा होता है और गैस में ज्यादा मूवमेंट हो रहा होता है अब उसका सिंपल सा एंपल है कि सॉलिड में तो हम लोग उसी को स्ट्रेट ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं लेकिन अगर पानी में देखें कि एक एक बूंद इंक डाल देंगे अगर मान लिया आपने एक एक बूंद एक ड्रॉप डाल दिया इंक का छोड़ दिया पानी रखा हुआ है एक बर्तन में उसमें आपने एक बूंद इंक डाल दिया सिर्फ स्याही जिसको बोलते हैं और छोड़ दीजिए एक आध घंटे के लिए बिना कुछ किए बिना उसको मिलाए बिना स्टर किया जेल की एक आध घंटे के बाद में पानी का कलर जो है चेंज हो जाता है, तो है। चाहे आपने अगर रेड कलर का इंक डाला तो वो रेड कलर पे आ जाएगा ब्लू मतलब अगर, आ, मिल जाएगा वो इंक पानी में यूनिफॉर्मली अगर आ, जिस भी कलर का डाला तो मिल जाएगा उसी तरह से हमने देखा कि अगर ये मान लिया जाए एक ये जो बॉक्स है इफ इफ इट रिप्रेजेंट्स अ रूम ये कमरा है अगर मान लीजिए यहाँ पे अपने एक अगर एक अगरबत्ती जला दिया ठीक है जो जो उसको बोलते हैं हिंदी में तो अगरबत्ती बोलते हैं अंग्रेजी में आप क्या बोलेंगे उसको अंग्रेजी में सेंटेड स्टिक्स या फिर बोलते हैं उसको ठीक है तो उसको अगर जला दिया छोड़ दिया कमरे में पांच मिनट के अंदर या दस मिनट के अंदर देखेंगे कि, कि कमरे के दूसरे रूम मतलब कॉर्नर में इफ सिटिंग देयर आपको इसका स्मेल आएगा मतलब प्रोवाइडेड अगरबत्ती अच्छे क्वालिटी का हो तो उसका स्मेल आपको आएगा तो वहां पे भी देखिए किसी ने उसको पंखे से हिलाया नहीं था नोबडी वाज ट्राइंग टू स्प्रेड दैट स्मेल इन द रूम राइट तो ये यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल कर जाता तो बेसिकली दिस रिप्रेजेंट्स की हाँ आपका जो पार्टिकल्स है, जो जिस भी पदार्थ के बारे में आप बात करें, जो भी आप कर रहे होते हैं। गैस में कि काफी उसका स्मेल पांच मिनट के अंदर आ जाता है अगर पानी में इंक आपने डाला तो हो सकता है उसको डिजोल्व होने के लिए पूरा यूनिफॉर्म होने के लिए इफ माइट दो घंटा भी लग सकता है सॉलिड में जो पार्टिकल्स का मूवमेंट है वो काफी कम होता है तो दैट्स uh, मूवमेंट नहीं है बट भी uh, uh, की है जब एक ग्लास पानी डाल दिया धीरे धीरे पानी जो है अंदर जाता है ठीक है एंड एंड दैट इज फैसिलिटेड बाई द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स इन दॉटर एज वेल एज पार्टिकल्स ऑन द सॉलिड ऑल्सो सो अब यहाँ पे मूवमेंट होता है तो इस बारे में हम लोग बात नहीं कर रहे हैं हम लोग बात ये कर रहे हैं कि भाई अच्छा मूवमेंट यहाँ साइड में कम है लिक्विड में ज्यादा है और गैस में काफी ज्यादा है पार्टिकल्स का मूवमेंट मूव Move करने के लिए क्या लगता है एनर्जी ऊर्जा इसको बोलते हैं अगर हम गाड़ी में चाह रहे हैं गाड़ी स्लो मूव कर रहा है तो कम एनर्जी मिल, मिल रहा है तो स्लो मूव कर रहा है अगर तेजी से मूव करना तो उसको ज्यादा एनर्जी चाहिए गियर चेंज करना पड़ेगा एक्सलेट करना पड़ेगा तेल भी ज्यादा खाएगा वो ज्यादा तभी एनर्जी बनेगा उसको ज्यादा तेज मूव करेगा अब जितना फास्ट मूव करने वाला एयरप्लेन की बात करें अगर तो एयरप्लेन को तो और ज्यादा एनर्जी लगता है क्योंकि और फास्ट मूव कर रहा है तो बेसिकली जितना फास्ट मूव कर रहा है उसको उतना ज्यादा एनर्जी चाहिए ठीक है या जिसको जितना ज्यादा फास्ट मूव कराना है उसको उतना ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा अब देखिए यहां पे गैस में ऑलरेडी काफी मूवमेंट है तो मतलब उसका एनर्जी ऑलरेडी इसका उसके अंदर एनर्जी ज्यादा है या उसके पास ऑलरेडी इसके पार्टिकल्स को ऑलरेडी एनर्जी मिला हुआ है तो मतलब अगर प्लेन जैसे रुका हुआ है उसको अगर उड़ाना है अगर तो पहले जोर लगता है उसको रनवे पे तेज चलने के लिए उसके बाद और जो लगता है तो उड़ना शुरू करता है तो मान लिया जाए गैस में अगर मान लिया जाए ये सारे पार्टिकल्स है यहाँ पर इसके पास ऑलरेडी एनर्जी है बहुत सारा तो अगर हल्का सा अगर आप एनर्जी और देंगे थोड़ा सा गर्म करेंगे यहां पर से मान लिया जाए कि इसके नीचे इसको अगर आपने चूल्हे के ऊपर रख दिया अगर तो ये फटाफट बाहर निकल जाएगा लिक्विड है अगर इसको इसको अगर आपने गर्म करना शुरू किया थोड़ा हीट मिलेगा देन इट विल स्टार्ट कन्वर्टिंग इनटू वेपर या भाप वाष्प जिसको बोलते हैं बेसिकली क्या हुआ यहाँ पे व्हाट आई एम ट्राइंग टू रिप्रेंट इज कि गैस जो है उसका पार्टिकल्स का मूवमेंट ज्यादा होता है क्योंकि उसके पास ऑलरेडी का, काफी एनर्जी होती है ऊर्जा होती है इसको हम लोग बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी या गतिज ऊर्जा ठीक है क्योंकि गति है वहां पे कुछ बोलना चाह रहे हैं सपना बेटा आप, आप म्यूट चले जाइए आप तभी अनम्यूट करेंगे जब आपको कुछ पूछना हो ठीक है ये देखिए क्लास में जैसे जब आप बात नहीं कर रहे हो तभी आप म्यूट रहेंगे ताकि बाकी लोग को डिस्टर्बेंस नहीं हो और आप और कुछ पूछना हो तो आप हाँ बोलिए आलोक Uh, sir, uh, I had one doubt, sir. Uh, the traveling of a molecule is depend on the density or the energy it occurs, sir. So you are going in a different direction altogether. So right now, what we're trying to understand is traveling of any party. First thing is the basic, right? You are trying to understand when we will move slow or fast. Right now we're not talking about density, you are going one step further okay here we are trying to understand that okay for going slower versus going fast what is the differentiator your differentiator is energy and that here in this case it's it's called kinetic energy so we are not even talking about density yet so again as i keep saying if you any of you are trying to gauge my knowledge that's a different discussion we can have one on one but from a class point of view if you are trying to learn I'm just trying to keep it as simple as possible and we'll go learn the concepts one by one, okay? So, right now, we are just talking about the difference in the kinetic energy of the three types of substances. Is that clear? Okay, sir. If you have a doubt, then we can have a separate discussion, okay? That's fine, all right. So, uh, वो कितना फास्ट मूव कर रहे हैं कितना स्लो मूव कर रहे हैं उनके अः uh, उनके साथ में किसी और चीज को मिक्स करना आसान है या नहीं है उसको अलग करना आसान है या नहीं अब देखिए यहाँ पे let's, let's कि ये सॉलिड मान लिया जाए अभी ये मेटल है लोहे का ये बना हुआ पूरा ठीक है एंड एंड दिस 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 इज 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 मेटल नाउ लिक्विड एम्प्टी बॉक्स गैस अभी देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे व्हाट व्हाट डिड वी लर्न सो फार की जो सॉलिड होता है उसमें उसके पार्टिकल जो है कम मूवमेंट होता है उनका काइनेटिक एनर्जी कम होता है लिक्विड का ज्यादा होता है गैस का और भी ज्यादा होता है क्योंकि उससे पता चलता है वो कितना लूजली कपल्ड है मतलब कितना आसानी से मूव कर रहा है अब देखिए अगर आपको लोहे को गर्म करते हैं काफी तेज टेम्परेचर पे काफी हीट पे क्या होता है इट बिकम्स लिक्विड आई एमजस्ट एंड टू रिलेट थिंग्स ओके यहां पे मतलब एक दूसरे को जोड़ना चाह रहे हैं लेकिन क्या कर रहे हैं आप लोहे को गर्म कर रहे हैं काफी तेज टेम्परेचर पे क्या होगा कि धीरे धीरे देखेंगे वो सॉफ्ट होने लगेगा और बहुत ज्यादा गर्म कर, करने के बाद एक टाइम के बाद विल बिकम लिक्विड 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 इन शेप मतलब वो मॉल्टन मेटल बन जाएगा वो जो, 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 जो जैसे कि uh, ज्वालामुखी से लावा निकलता है उस टाइप उसको बोलते ना तो ये भी समझिए कि ये जो मेटल है लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा ठीक है अब यहाँ पे देखिए क्या हुआ ये सॉलिड था लिक्विड बन गया मतलब इसका यहाँ पे पार्टिकल्स का मूवमेंट कम था पार्टिकल्स का मूवमेंट बढ़ गया यहाँ पे कम का, यहाँ पे कम मूवमेंट था यानी कम काइनेटिक एनर्जी था अभी यहाँ पे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी हो गया गतिज ऊर्जा इसका बढ़ गया सॉलिड से लिक्विड बनने की वजह से तो वो कहां से आया दैट केम थ्रू हीट जब आप गर्म करते हैं तो उसको हीट मिला एनर्जी मिला वो एनर्जी कन्वर्ट हुआ उसके गतिज ऊर्जा में गतिज ऊर्जा को बढ़ाया और, दे, दे और पार्टिकल लूज। And then that became liquid. अगर आप और एक्सट्रीम सोचेंगे कि काफी हीट करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे तो हो सकता है कि वो फिर गैस फॉर्म में भी बनेगा अगेन कौन सा मेटल गैस फॉर्म में कब कन्वर्ट होगा दैट डिपेंड्स ऑन नेचुरल कॉम्पोजिशन द कॉम्पोजिशन ऑफ द मेटल मतलब जो पदार्थ है उसका संगठन भी। ओके okay, तो खैर तो कुल मिला इसका सारांश यह है कि अब जैसे किसी भी चीज को आप हीट करते हैं तो उससे उसका पार्टिकल्स का एनर्जी बढ़ता है और उसी क्रम में वो अगर सॉलिड है तो लिक्विड में कन्वर्ट होगा लिक्विड है तो गैस में कन्वर्ट होगा अब जब पानी को गर्म करते हैं तो क्या होता है तो बन बनकर उड़ जाता है क्यों हुआ क्या प्रोसेस अगर देखा जाए इसको साइंस की भाषा में तो यार जो जो पानी था पानी का कन जो था वो सब सबका एनर्जी और बढ़ गया और वो पार्टिकल्स काफी तेज मूव करने लगे और धीरे धीरे वो करके

फॉर्म में किसी भी स्टेट में है, मतलब कोई सब्सटेंस को देख रहे हैं सॉलिड हो लिक्विड हो गैस हो तो जब भी आप उसको हीट देते हैं तो अल्टीमेटली यू इंक्रीज दैट नो एनर्जी ऑफ़ द पार्टिकल्स इन दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस या इन दैट पर्टिकुलर मैटर ठीक है या उस पदार्थ का आप ऊर्जा बढ़ा देते हैं अब जित, जितना भी हीट देंगे उतना ज्यादा उसका गतिज ऊर्जा बढ़ेगा और दैट विल डिटरमिन कि उसका क्या होने वाला है ठीक है एक और चीज है रिलेटेड चीज कि यहाँ पे आपने हीट हीट दिया या इसको गर्म किया कुछ चीज को या आग में मतलब ऊर्जा आग में डाला उसको तो उससे उसको हीट मिला उसे किससे काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हुआ देयर इज समथिंग कांसेप्ट कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो कि आप ध्यान रखेंगे हमेशा कि जो ऊर्जा होती है ना उसका कोई भी नाश नहीं होता है मतलब इट्स इट कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वही बोलता है कि यू कैन कन्वर्ट एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर आप ऊर्जा को एक एक प्रकार से दूसरे प्रकार में कन्वर्ट कर सकते हैं लेकिन आप उसको नष्ट नहीं कर सकते आप उसको वेस्ट uh, नहीं कर सकते मतलब यू कैन नॉट नष्ट यू कैन नॉट वेस्ट इट सिंपल ठीक है तो यहाँ पे वही हुआ कि जो जब हम लोग किसी चीज को गर्म कर रहे थे अगर मान लीजिए आपका लोहे का टुकड़ा था ये इसको आपने आग में डाल के गर्म किया या चूल्हे के ऊपर रख के गर्म किया गर्म किया भी जैसे भी तो बेसिकली आपने जो 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 हीट एनर्जी था वो इसको दिया हीट एनर्जी कन्वर्टेड और एडेडिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स मतलब यहाँ पे जो उष्मा जी

बेसिकली uh, इसका ये uh, थ्योरी ये है कि आप कभी भी आपका जो एनर्जी होता है भी, किसी भी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता है यू यू नॉट नॉट डिस्ट्रॉय इट ठीक है तो uh, यहाँ पे वही होता है ही, जो हीट एनर्जी था जो उसमें एनर्जी ठीक है एंड दैट वो जितना ज्यादा आप हीट देंगे उसका उतना काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा उतना ही वो उसका पॉसिबिलिटी बढ़ेगा टू कन्वर्ट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड 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 टू गैस अब जिस हीट, आ, आ जाए कि हीट मान मान लिया ये जाए ये मेटल का टुकड़ा था उसको आपने हीट किया तुरंत तो वो लिक्विड नहीं बन जाता है जितना आप हीट करते जा रहे हैं उतना उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ते जा रहा है उसके अंदर जो, जो कण है मॉलिक्यूल्स हैं उनका जब मूवमेंट आपस में होता है आपस में लगाते हैं तो देन, देन दे हीट एनर्जी और उसका जो है उसका धीरे धीरे वो सॉफ्ट होना शुरू होता है कि जितना जितना ज्यादा उसको एनर्जी मिल रहा है उतना वो सॉफ्ट होते जा रहा है और आपको विल सी इट जैसे सुनार की दुकान में अगर जाएंगे तो देखें कि वो लोग जो जो कोई भी ज्वेलरी है कोई भी गहना है अगर उसको तो आप ऐसे टच करेंगे तो वो हार्ड होता है जैसे उसको गर्म करते हैं टच तो करेंगे सॉफ्ट होते जाता है तो ज्यादा गर्म करेंगे तो लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा फिर तो दैट दैट इज इज हाउ इट उसे उल्टा अगर आप सोचेंगे कोई भी अगर लिक्विड है उसको अगर आप ठंडा कर दे यार उसका मतलब ठंडा करना मतलब तो क्या उसके अंदर से हीट निकलते है इसका एनर्जी निकालते जा रहे काएटिक एनर्जी वो कम करते जा रहे हैं धीरे धीरे सॉलिड में रखता है एंड दैट इज हाउ यू सी कि पानी बर्फ बनता है कि आप उसका क्या किए उसके अंदर जो पानी के अंदर जितना काइनेटिक एनर्जी था उसका पार्टिकल का जितना मूवमेंट था उसको आप कम करते जा रहे हैं बाई अब्जॉर्विंग हीट बाय कूलिंग इट डाउन ठीक है तो धीरे धीरे एक समय आया कि वो सिलेंडर कर दिया उसका जो है उसके का को, करते जा रहा। उसका हीट को कम करते हैं करते करते, करते 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 एक समय आया जबकि उसके अंदर कुछ बचा नहीं ज्यादा कायटिक एनर्जी बोला कि भाई माफी करो हमको हम बन गए बर्फ तो ये तो था आपका अः काइनेटिक एनर्जी के बारे में कि गर्म करने या ठंडा करने से क्या होता है एंड एंड दिस थ्योरी वी विल यूज लेटर ऑन फॉर अंडरस्टैंडिंग अदर थिंग्स आल्सो सो इसलिए कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या हुआ कन्वर्टिंग वन फॉर्म टू अदर फॉर्म वो क्यों होता है काइनेटिक एनर्जी का क्या रोल है वहां पे दैट इज व्हाट वी हैव लर्न सो फार एनी क्वेश्चन कोई सवाल हो तो पूछ लीजिए भाई नहीं नो सर ओके चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं आलोक जी कोई सवाल हो तो पूछ लीजिए भाई रिलेटेड सवाल मतलब आगे के चैप्टर का पूछेंगे तो आई विल विल कम टू दैट लेटर बट अभी के लिए चलिए तो एक एक लास्ट कॉन्सेप्ट यहाँ पे पढ़ेंगे दैट इज कॉल्ड इवेपोरेशन हिंदी में बोलेंगे वाष्पीकरण। अब देखिए मान लिया जाए कि आपका पानी का आ, ये आपका मान लिया जाए ग्लास है ओके अब देखिए यहाँ पे ये यह आपका सरफेस है सतह जो बोलते हैं पूरा पानी है पूरा ठीक है मतलब पानी यहाँ तो भरा हुआ तो ये आपका सरफेस है गेट्स एक्सपोज्ड टू एयर ठीक है तो वाष्पीकरण जो प्रोसेस है जो प्रक्रिया है ठीक इवेपोरेशन है? जो, एवा, जो प्रोसेस है दैट द सरफेस ठीक है आप देखेंगे अगर ग्लास में पानी रखा हुआ अगर बाहर का टेम्परेचर ज्यादा है ठीक है या आपने यहा गरम, इसको गर्म करना शुरू किया तो देखिए भाप जो बन के उड़ता है वो यहां से उड़ता है तो ले देकर करके इट्स ऑल रिलेटेड टू द सेम प्रोसेस कि आपका जो जो, जो कायटिक एनर्जी इसका पार्टिकल्स का बढ़ रहा है अब जैसे ये सरफेस है यहाँ पे यहां पर से वाष्पीकरण क्यों होता है यहां से भाप बन के क्यों उड़ता है पानी क्योंकि जो सराउंडिंग में देखिए यहाँ पर जो एयर है उसका कायटिक एनर्जी ज्यादा है

अगर गैस बन गया तो मतलब पार्ट इसका एनर्जी बढ़ गया सरफेस सर्थ, पे तो वो धीरे धीरे करके वो उड़ना शुरू होता है पार्टिकल्स मतलब समझिए कि एक रूम में बहुत सारा बच्चा बंद है दस बच्चा, दस दस बच्चा है गुड इवनिंग बेटा तो हाँ गुड मॉर्निंग से मेरा ध्यान भटक गया ओके okay, हाँ तो हम ये कह रहे थे कि जो वाष्पीकरण जो होता है या यान या या जो होता है दैट इज़ ऑन द सरफेस। इज कि आपका ये, ये पूरा पानी भरा हुआ यहां तक मान लिया जाए तो ये जो लेयर है जो विच इज कमिंग इन एक्सपोजर ऑफ द एयर इन सराउंडिंग मतलब उसके आसपास के हवा के सराउंडिंग में मतलब उसके संपर्क में जो आता है तो हवा में जो कण है उसका काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है गैस का जो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है यहाँ पर जो लिक्विड है इस सरफेस पे उससे ज्यादा है इसका इसका काइनेटिक एनर्जी तो यहाँ पे हीट एक्सचेंज होता है मतलब उसको उसको थोड़ा काइनेटिक एनर्जी इधर से मिलता है अगर मान लिया जाए कि ये टेम्परेचर और ज्यादा होगा मान लीजिए बाहर का सराउंडिंग का ज्यादा है तो इसको ज्यादा एनर्जी मिले इस सर्फेस पे जो पानी का कण है उसको और जैसे इसको एनर्जी मिलेगा वो लू, जो है पार्टिकल्स और भी लूज होना शुरू करेंगे और धीरे धीरे उनका मूवमेंट और भी बढ़ता जाएगा एंड देन so दे ऑपरेट सो बेसिकली वही हम एग्जाम्पल दे रहे थे कि एक कमरे में मान लिया जाए अगर पांच बच्चा दौड़ रहा है ठीक है दौड़ रहा है दौड़ रहा है दौड़ रहा है इतना तेईस दौड़ रहा है ठीक है, 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 है अभी मान लिया जाए इस कमरे का दरवाजा थोड़ा सा खोल देंगे क्या होगा दौड़ते हुए कमरे से बाहर निकल जाएगा Same thing here. यहाँ पे एक कुछ बच्चे दौड़ रहे हैं, ठीक है और इस जगह पे जो बच्चे हैं उनको थोड़ा और एक्स्ट्रा एनर्जी मिला मतलब और तेज़ी से दौड़ने लग गए जितना तेज़ी से दौड़ते दौड़ते फिर समझिए कि बाहर निकल गए इन शॉर्ट इन कोई बर्तन में पानी भरा हुआ है अगर तो उसका सरफेस इवेपोरेशन हो रहा होगा तो एनर्जी uh, और इवेपोरेट करिए सब दूसरा होता है कि यहाँ पर अगर आपने हीट कर, हीट कर रहे हैं इसको तो गर्म करते जा रहे हैं अगर मान लीजिए चूल्हे पर रखा हुआ है बर्तन तो यहां से हीट जा रहा है धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है काइनेटिक एनर्जी बढ़ते जा रहा है इस इस सरफेस पे जो जितना भी मॉलिक्यूल्स है वाटर का उसको सामने से भी मिल रहा है इधर से भी हीट मिल रहा है और इधर से भी हीट मिल रहा है तो सबसे पहले यहाँ पे एनर्जी सबसे ज्यादा है उसका गैस बनने का पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा है और वो धीरे धीरे करके उड़ते जाता है मतलब इसलिए देखें इवेपोरेशन हमेशा सरफेस से है क्योंकि इसका डबल एडवांटेज है आपको सराउंडिंग से ही मिल रहा है और नीचे से हीट मिल रहा है ठीक है तो ये ये आपका प्रोसेस हुआ दैट इज कॉल्ड इवेपोरेशन और वाष्पीकरण तो मोस्टली इवेपोरेशन का हम जब बात कर रहे तभी हम लोग कोई संदर्भ में बात करते हैं कि इसको सरफेस से कैसे जो है भाप बन के उड़ रहा होता है उसका उसका रीजन क्या है एंड इट ऑल रिलेट्स टू सेम थ्योरी जो हम लोग पढ़े कि भाई जो है लिक्विड से गैस बनने के लिए आपका काइनेटिक एनर्जी बढ़ना पड़ेगा सॉलिड बन, बनने के लिए आपका बढ़ना पड़ेगा मतलब आपको हीट देना पड़ेगा हीट कहां से आ रहा है दैट इज वॉट डिसाइड कि वो प्रोसेस कैसे काम कर रहा है तो अभी तक में कोई सवाल या कंफ्यूजन है तो बताइए भाई बिफोर आई मूव ऑन नहीं यहाँ कोई डाउट कंफ्यूजन तो पूछ लीजिए भाई okay. अभी तो सोने का टाइम नहीं हुआ हमको लगता है तो आप लोग सोए नहीं होंगे अनलेस अब हमारी वजह मेरी वजह से आप लोग तो को नींद आ गया हो। okay. तो ओके। सुप्रिया अंकित कोई कंफ्यूजन नहीं हाँ तो अब इसी से रिलेटेड एक लास्ट कॉन्सेप्ट इस चैप्टर में बिफोर वी मूव ऑन तो टू नेक्स्ट चैप्टर तो अब जैसे कि देखिए बोलते हैं कि भाई गर्मियों में सूती कपड़ा पहनना चाहिए कॉटन का कपड़ा पहनना चाहिए चलिए ये आदमी है मान लिया जाएगा ठीक है ये इसका सर हुआ तो बोलते हैं क्या कि गर्मियों में सूती कपड़ा पहनना चाहिए क्यों uh, क्योंकि सूती कपड़ा पहनने के, के, के कारण यह है है कि सूती जो है या जो गुड ऑफ लिक्विड अब देखें, गर्मी के टाइम में क्या होगा कि आप uh, हमारे बॉडी से मतलब uh, पसीना निकलता है स्वेट निकलता है और जो सूती कपड़ा है क्या करता है वो उसको ऑब्जॉर्व कर लेता है तो बेसिकली जो भी आपने आपके शरीर से पसीना निकला स्वेट निकला उसको आ, सूती कपड़ा उसको करके उसको सरफेस पे ले आता है मतलब आपका शर्ट के ऊपरी हिस्से कपड़े के ऊपरी हिस्से पे ले आता है करके, तो उसमें क्या होगा कि वो अब लिक्विड जो है आगे आपका आ, कपड़े के ऊपरी सतह पे विच इज गेटिंग एक्सपोज टू द एक्सटर्नल एनवायरमेंट मतलब ये हवा इसके एक्सपोजर में आ गया इसको ठीक है तो क्या होगा कि वो इसको इस लिक्विड को एनर्जी देगा और उसको गैस फॉर्म में मतलब कन्वर्ट करके उड़ाते जाएगा तो आपका जो कपड़ा गीला था वो भी थोड़ा कम होगा गीला क्योंकि इसका पानी जो है उसका भाव बनकर उड़ते जा रहा है वेपरेट करते जा रहा है और दूसरा एक और चीज भी होता है कि जब इसको अब ये जो समझिए कि आपके कपड़े के ऊपर जो पानी का बूंद है वो ठीक है उसको इधर से एनर्जी मिल रहा है वो थोड़ा सा एनर्जी नीचे से भी देखता है भाई थोड़ा, इधर से तो रहा है से, थोड़ा से सा एनर्जी हल्का सा एब्जॉर्ब के बॉडी से भी कर लेता है क्योंकि हमारा बॉडी थोड़ा हल्का वार्म सर होता है बॉडी का टेम्परेचर जो रहता है उसको उससे भी थोड़ा सा एनर्जी लेता है तो क्या होता है कि आपको एक यू गेट अ फीलिंग ऑफ लिटिल कोल्ड क्योंकि आपको आपके बॉडी से अगर कोई हीट निकाल लेगा तो आपको सुंदर लगेगा रही। तो वैसे ही है तो इसीलिए जो कॉटन कपड़ा जो पहनने के लिए बोलते हैं उसका भी वो भी सेम रिलेटेड कॉन्सेप्ट है कि कि भाई आपका एक तो है कि वो दैट एब्जॉर्ब लिक्विड फ्रॉम फ्रॉम योर बॉडी विच इज स्वेट जो पसीना है और उसको एब्जॉर्ब करके वो एब्जॉर्ब करना मतलब क्या कोई भी चीज में आप पानी में कुछ एब्जॉर्ब करें मतलब इट पुलसिक फ्रॉम हियर एंड मेक्स इट मूव मतलब अगर कागज को आप पानी में डुबाएंगे देखेंगे नीचे का जो मान लिया जाए कि ये आपका अगर पानी का बर्तन है इसमें अगर आप एक, एक गत्ता जो, जिस, जो बोलते हैं ना उसको डालेंगे यहाँ पे देखें यहाँ पे पानी गया और धीरे धीरे थोड़ा पकड़े रहेंगे इसको तो पानी देखिए पूरा यहाँ तक तो आगे तक भी गीला हो जाता है तो बेसिकली ऑब्जॉर्व करना का मतलब वही होता है किस दिक्विड तो फ्लो लिक्विड गो इन साइड दिस मतलब हर एक पार्टिकल जो है इट अलाउज मूवमेंट ऑफ द लिक्विड है तो वही यहाँ पे देखिए क्या वो ऑब्जॉर्व करा है? मतलब पानी को खींचते आपके पसीने को खींचते हुए सरफेस तक ले आया यहाँ पे शर्ट का मान ली ऊपर का सतह पे ले आया ऊपर की सतह पे ले आया तो फिर उसको पूरा पूरा जो आपस आपका सराउंड बाहर तो गर्मी का मौसम है पसीना चल रहा है जाओ आपको तभी तो मतलब बाहर का टेम्परेचर ज्यादा है तो वहां से कायटिक एनर्जी इसको मिलता है ये भाप बन के उठ जाता है तो आपका कपड़ा जो गीला था वो भी नहीं रहेगा और साथ ही साथ आपका बॉडी का टेम्परेचर को थोड़ा ऑब्जॉर्व करके वाटर पार्टिकल जो है वो उधर से आपको ठंडक प्रदान करता है तो ये है कारण सूती कपड़ा पहनने का अगर आप गर्मी के मौसम में जब अभी अभी जैसे थोड़ा सा गर्मी थोड़ा कम हुआ होगा अभी इंडिया में लेकिन जब पीक गर्मी था उस समय कोशिश कीजिए टेरिकॉर्ड वाला एकदम मोटा वाला कपड़ा पहन के आइए जो 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 सूती का नहीं है ठीक है और जब देखेंगे आपकी गर्मी का मजा थोड़ा बढ़ जाता है तो दिस अस टू दिस चैप्टर अभी ये बताइए कि जो भी हम लोग पढ़ाई किए हैं उसमें कुछ कंफ्यूजन या डाउट है तो बताइए भाई नो no, सर नहीं है? ओके चलिए तो फिर अब आते हैं अगले चैप्टर पे चैप्टर ठीक है, लेकिन नो हमको तो एक ही बच्चे सुनाई पड़ा है। बाकी लोग को क्लियर है अगर किसी को कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए भाई नहीं तो हम लोग आगे बढ़ जाएंगे और पढ़ाई पीछे छूट जाएगा ओके, okay. नो no, सर Right, चलिए तो अब हम लोग आते हैं अगले चैप्टर पे अगला चैप्टर जो है एज आई सेइंग दिस इज चैप्टर टू मतलब टोटल इस क्लास में हम लोग को है पंद्रह चैप्टर पढ़ने के लिए हम लोग दूसरे चैप्टर पे आए हैं विच द चैप्टर इज इज मैटर अराउंड अस प्योर तो अभी तक हम लोग जाने की भाई व्हाट आर द मैटर्स इन आर सराउंडिंग हमारे आसपास में क्या क्या पदार्थ पाए जाते हैं जहाँ पर हमने सारे लिक्विड गैस के बारे में सीखा और, और देखा कुछ कुछ चीजों को रिलेट किया अगला चैप्टर मैटर अराउंड अस प्योर मतलब हमारे आसपास जो चीजें हैं क्या वो प्योर हैं? अब ये बहुत बड़ा डिबेट है पानी पी रहे हैं पानी प्योर है किसमें मिलावट है दूध खा पी रहे हैं वो शुद्ध है नहीं है प्योर है नहीं है उसमें मिलावट है पानी मिला हुआ है क्या नहीं पता नहीं नहीं तो हमारा प्यार का डेफिनेशन होता है कि भाई शुद्ध है कि नहीं बट वेन यू लुक एट फ्रॉम साइंटिस्ट पर मतलब जो वैज्ञानिक होते हैं उनके हिसाब से अगर देखा जाए तो उनका प्यार का डेफिनेशन थोड़ा अलग होता है उनके हिसाब से प्यार मतलब अकेले है या कुछ मिला हुआ है अब जैसे कि आप हम हम बोलते हैं कि भाई गांव का हवा बड़ा शुद्ध है सर कुछ दिख क्यों नहीं रहा क्या चीज कुछ दिख नहीं रहा सर दिख नहीं रहा है हम तो स्क्रीन शेयर किए हैं सबको नहीं दिख रहा है या सिर्फ सिर्फ आपको नहीं दिख रहा है दिख रहा है सर दिख, दिख, रहा, दिख, है? दिख रहा है सर दिख रहा है ना तो फिर जिनको देखने में दिक्कत हो रहा है उनसे यही रिक्वेस्ट रहेगा कि आप एक बार ड्रॉप करके फिर से ज्वाइन से ठीक हो जाए ठीक है ओके, अभी आपको स्क्रीन दिख रहा है क्या बेटा यस सर। ओके ठीक है चलिए तो यहाँ पे है इस चैप्टर में यही जानना कोशिश कर रहे हैं कि भाई इस ये चैप्टर बोलता है द आर द थिंग्स इन आर सराउंडिंग प्योर इज द मैटर प्योर कि शुद्ध है या नहीं है तो हम लोग हाँ तो कमिंग बैक टू पॉइंट हम लोग बोल रहे थे कि भाई आ, हम लोग कैसे बात करते हैं कि भाई हाँ हमारी हा, हमारे आसपास की हवा शुद्ध है कि नहीं प्यार है कि नहीं uh, uh, मतलब बड़ा बढ़िया हवा है मतलब काफी दिख रहा है सब कुछ हमारा uh, सांस लेने में दिक्कत नहीं हो रहा है कुछ नहीं हो रहा है तो मतलब हवा शुद्ध है दैट इज आवर वे ऑफ लुकिंग दैट इज दैट इज हाउ नॉर्मल पीपल टॉक अबाउट इट लेकिन अगर साइंटिस्ट के बारे में बात करेंगे तो हैव अ डिफरेंट डेफिनेशन उनका मानना होता है कि भाई कोई चीज शुद्ध है या नहीं है अब जैसे पानी पानी में सिर्फ पानी है या पानी के साथ में कुछ और मिला मान लिया जाए आपको एक बीकर में अगर पानी रखा हुआ है ठीक है या ग्लास में पानी है इसमें थोड़ा सा दो चार दाना नमक डाल दीजिए सॉल्ट मिला दीजिए उसको किसी ने हाथ खड़ा किया है बोलिए भाई चैप्टर फर्स्ट में लेटेंट हीट भी था उसके बारे में नहीं बताएं क्या क्या लेटेंट हीट के हाँ लेटेंट हीट के बारे में नहीं बताया ठीक है तो लेटेंट हीट के बारे में भी आपको बता देते हैं लेटेंट हीट अच्छा चलिए अभी मतलब आपने ये चैप्टर पढ़ा हुआ है तो यहाँ पे आते हैं आप समझाने की कोशिश की लेट हिट क्या होता है देन आई आई विल विल पिच इन लेट्स सी इफ इफ माय किड्स कैन टीच द थिंग्स चलिए बताइए आलोक जी देखते हैं भाई आपने पढ़ा है तो समझा पा रहे हैं कि नहीं और उसके बाद हम उसको डिस्क्राइब करेंगे अगर इफ इफ नीडेड नहीं, ओके, okay. चलिए, तो देखिए, हेलो, हेलो, हां, बोलिए, बोलिए, हां सर, द हीट सर, व्हिच इज़ रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट, चेंज द स्टेट ऑफ़ अ मैटर सर, हम्म, राइट, नहीं तो दैट दैट, सो वी कवर दैट पार्टली, ओके, आई डिड नॉट यूज़ द टर्म लेटेंट हीट लेट्स दिस इज माई सॉलिड उसको हम लोग हीट कर रहे हैं गर्म कर रहे हैं मान लिया फर्नेस में रख दिया आपने तो गर्म कर रहे हैं देन इट कन्वर्ट दीजे का एनर्जी मतलब जो जो, जो, जो जो इसके जो कन है उनका एनर्जी को बढ़ाते जाता है उनका मूवमेंट बढ़ते जाता है तो हम लोग बात कर रहे थे ना कि इसको गर्म करते जाएंगे करते जाएंगे तो देन इट कम्स टू अ पॉइंट वेर स्टार्ट स्टार्ट बिकमिंग सॉफ्ट और थोड़ा सॉफ्ट होता गया और हीट करेंगे और हीट करेंगे तो वो वहां से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होने लगेगा तो और हर एक पदार्थ का हर एक सॉलिड का या लिक्विड का जो है एक टेम्परेचर एक सर्टेन बात किया कि सॉलिड कन्वर्ट्स टू लिक्विड एंड इफ यू की पॉइंट वेर इट कन्वर्ट्स टू गैस या वे पर तो ऑल दैट कोई एक फिक्स टेम्परेचर नहीं है कि अगर ये, ये मान लिया जाए अगर मेटल आयरन का बना हुआ है या कॉपर का बना हुआ है या गोल्ड का बना हुआ है देखेंगे आप सो, सोने वाला जो चीज होता है जल्दी सोने का मतलब गोल्ड जो होता है दैट दैट इज टू लिक्विड मच फास्टर कंपेयर आयरन एंड अदर मेटल्स तो हर एक पदार्थ का अपना एक एक टेम्परेचर होता है जिसके बाद में वो कन्वर्ट हो, मतलब होता है फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड और लिक्विड टू वेपर और वो उसके अपने प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड करता है सो so, that temperature where a solid converts from solid to liquid or liquid converts from liquid to vapor basically latent heat is the uh, is the is the energy or the heat required to convert things from one shape to another okay okay it's the same thing so we just ट अबाउट हाउ कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर एंड लेट एंड कब होगा मतलब कितना एनर्जी देने के बाद होगा अब मान लिया जाए कि पानी का एक, एक ग्लास पानी को आप गर्म कर रहे हैं और जो है उसको भाव बना रहे हैं दैट हीट रिक्वायर्ड वर्स वर्सेज दिट रिक्वाड फॉर्म इज ग तो वो डिपेंड करता है पदार्थ के अपने स्टेट के ऊपर प्लस उनका अपना प्रॉपर्टीज के ऊपर ठीक है सो दैट इज़ सो गुड फॉर पॉइंटिंग आप लोग आ, इ, it, it कि आपने इस चैप्टर को पढ़ा है और वो टर्म्स देखिए कुछ टर्म्स यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा कि कुछ टर्म्स होगा हम पूरा पूरा चैप्टर रट के नहीं आता है

कीप इट कीप थिंग्स टू योरसेल्फ मेक श्योर दैट जो भी आप जानते हैं जो भी आपने सीखा है वो अगर किसी को नहीं पता है तो शेयर कीजिए ग्रुप में ताकि हर कोई उस चीज से सीख पाए सबको ठीक है हाँ प्रिया बोलिए अपने हाथ खड़ा किए बेटा सर लेटेंट हीट में टेंपरेचर क्यों नहीं राइज़ होता लेटेंट हीट में टेंपरेचर क्यों नहीं राइज़ होता है, मतलब हाउ डू यू नो मतलब कि जैसे हां बोल But... जैसे कोई सब जैसे कोई सब्सटेंस को हीट किया जाता है तो उसका टेम्परेचर क्यों नहीं राइज होता है उसका बस स्टेट चेंज हो, नहीं होता है नहीं नहीं नहीं, नहीं उसका टेम्परेचर भी राइज होता है आप अगर देखेंगे आपने अगर एक मान पानी को गर्म कर रहे हैं तो भाप बन रहा है अगर तो पानी से भाप जो बन रहा है तो आप भाप में हाथ लगा के देखिए यू विल सी द टेम्परेचर राइज सो लेटेंट हीट इज द इज इट इज जस्ट अ बेंचमार्क समझिए कि वो एक एक पैमाना है जो बताता है कि भाई इतना हीट मिलने के बाद वो कन्वर्ट हो जाएगा लेकिन एनीथिंग दैट यू हीटिंग अगर आप पानी को गर्म कर रहे हैं भाप बनाने के लिए या लोहे को गर्म कर रहे हैं मेटल बनाने के लिए टेंपरेचर इसका टेंपरेचर इंक्रीज होता है बेटा ओके सर मतलब समझिए कि अगर लोहे को गर्म कर रहे हैं अगर मैं पिघलाने के लिए तो हाँ गर्म हो रहा है मतलब हाँ, uh, sir, uh, curious, sir, uh, कि चलिए तो उसका स्टेट चेंज होगा तो सर वहाँ पे सिर्फ टेम्परेचर रेज हो रहा है वहाँ पे सर जो एयर है सर उसपे प्रेशर भी तो एग्जर्ट कर रहा है तो वहाँ पे क्या प्रेशर का भी कुछ रोल है सर आपका हम लोग हीट कर रहे है अब ये टॉक लेट एंड इतना आपने हीट करते करते आपको पता है कि अच्छा ठीक है इतना कैलरी ऑफ एनर्जी जाने के बाद में ये दिस फिल्म मेल्ट फ्रॉम सॉलिड टू गैस

no it's a question for you what is the role of pressure in understanding the concept of latent heat uh, nothing sir then that question is irrelevant okay i was just curious uh, I'll... See, see, I'll, see i'll tell you see things are not so easy okay It's it's not as easy as 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 i might say or anybody would say but then we have to learn the concepts in isolation. Now, look at this. This is a solid, okay? When you're heating it, it is getting heated, let's say, in a furnace. You have a lot of things happening in the surrounding here. You have air. Air had different composition. Air is applying, exerting pressure on this also. And that pressure also is getting into some form of energy inside this one. And that is having a role to play in the kinetic energy also, to some extent. But would you be able to find out that theory while you're talking about latent heat? Probably not. That we'll probably cover in some other you know, sections when you go further, different concepts. Since we're not talking about pressure right now, we are trying to stay away from that. But I'm not denying that pressure has no role to play here. But maybe with respect to latent hit, I'll probably park that question for now. Yeah. Okay. Sir. Yeah. All right. So, so this was on latent hit. So again, uh, coming back to uh, this point, I think we'll have to uh, uh, end the class here and we'll have to switch on to the English class. But uh, only takeaways. Uh, Uh, कि जब भी क्लास में हम लोग कुछ पढ़ाई करें ना सो सो डोंट डोंट थिंक दैट आई एम हियर टू फिनिश द सिलेबस मैं यहाँ पे आपका सारा सिलेबस कम्प्लीट कर, नहीं कर पाऊंगा हो सकता है घोषणा कर भी दू लेकिन डेल बी थिंग्स दैट 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 कुड गेट मिस्ड आउट एंड अगर दूसरा है कि मतलब हम जो पढ़ा रहे हैं उतना उतना ही पूरा दुनिया उतना सीमित नहीं है राइट तो आप लोग भी कुछ कुछ पढ़ेंगे कुछ जो एक्स्ट्रा जानकारी मिले ना प्लीज शेयर दैट विद द ग्रुप you have to get the intent of what i'm doing and why i'm doing this okay my intent is to bring you guys all together and look at things from a concept perspective aapko IT exam you you don't have to score 100% to, to clear iit 50% that also helps you secure a position and 50% lanaguasangamnyota 50% 50% chinioga concept clear so what i'm trying to say is in this class, I will obviously try to cover the syllabus, but my focus would not be on the coverage. My focus would be on learning the concepts. Because that is what will take you to you know, uh, make an attempt in you know, any prestigious exam like IIT or you know IIT. So focus on, the, uh, on that that'll that'll.

मतलब इवन इफ आई क्लेम कि मेरा ऑल इंडिया रैंक वाज 29 और 30 इन इन माय रेलिवेंट था अभी तो तक बहुत कुछ नया भी होगा तो आप लोग हम भी पढ़ के आप लोग पढ़ाते हैं ठीक है सो so, अगर कुछ छूट रहा हो कुछ कॉन्सेप्ट तो प्लीज फील फ्री टू शेयर द ग्रुप फॉर एवरीबॉडीज एडवांटेज दैट्स यहाँ पे जो भी क्लास हो रहा है दैट इज फॉर एवरीबडीज एडवांटेज है ना तो दैट इज वी विल डू एंड सी हाउ हाउ मच हेल्पफुल दैट इज ठीक है एनी क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे ही आज रुकेंगे हमारा चैप्टर टू थोड़ा लंबा चलेगा लगता है बट दैट्स ओके कोई सवाल हो तो पूछ लीजिए भाई नहीं नुकेत? प्रिया सुप्रिया आलोक नो सर ओके ठीक है तो हम लोग यहाँ पे अपना साइंस क्लास को भी हम लोग विल विल पॉज एंड स्टॉप रिकॉर्डिंग द वीडियो आज हम लोगों ने जो भी किया उसका क्लास का वीडियो